हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम शेफ इंडिया। और आज मैं आपके लिए ग्रेवी वाले मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो फ्रेंड्स बहुत इजीली बन जाती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए इस जायके के सफर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मंचूरियन बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है। अब इसमें अपनी बारीक चॉप पत्ता गोभी डालेंगे, येलो शिमला मिर्च डालेंगे, अपनी चॉप्ड गाजर डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ ऑनियन डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप सब्जियां अपनी मनपसंद सी जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें आधा छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारी वेजीज हैं इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है और ऐसे ही हम अगर इसमें मंचूरियन बनाएंगे तो मंचूरियन कोफ्ते की तरह हो जाएंगे, उनकी गोल शेप नहीं आ पाएगी। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो इसका जो पानी है वो निकल जाएगा, तो हम इसको निचोड़ के फिर इसका मंचूरियन बनाएंगे। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी वेजीज को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम एक परात लेंगे, इसमें अपना कपड़ा लगाएंगे, वेजीज को डालेंगे। फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को स्क्वीज कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना पानी निकल चुका है। इसको आप फेंके नहीं, आप किसी ग्रेवी में यूज कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ और अपना मंचूरियन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने वेजीज को वापस अपनी बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें आधा छोटा कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे और आधा कप मैदा डालेंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा छोटी चम्मच चिली पाउडर और नमक बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक ऐड किया है। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। फ्रेंड्स, सारी चीजों को मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको हाथ से करेंगे। फ्रेंड्स, अभी भी सब्जियों में काफी मॉइस्चर है, जब आप इसको हाथ से करेंगे तो ये अपना पानी छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए ये डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, उसकी छोटी छोटी बॉल्स लेकर इनको रोल कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सारी बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी है, तो इन मंचूरियन बॉल्स को अब हम फ्राई करेंगे। तो चलिए अपनी गैस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल ले लिया है और गैस का फ्लेम हमें लो पर ही रखना है। तो इसको हम तेल को थोड़ा सा होने देंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर मंचूरियन को तलेंगे तो वो अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से क्रिस्प हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा तेल हो चुका है, अब हम मंचूरियन की बॉल्स डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमारी बॉल अच्छी सिक रही है, ये देखिए। अभी इनको होने देंगे। फ्रेंड्स, इनको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अभी गैस का फ्लेम हल्का सा मीडियम पे कर देंगे ताकि ये ब्राउन हो सके बाहर से भी। ये अच्छी सी फ्राई हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मंचूरियन सिक चुके हैं। तो अभी हम बाकी जो बचे हुए मंचूरियन है उनको भी फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स, हमारी सारी मंचूरियन तलकर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपनी गैस की तरफ चलते हैं अपना ग्रेवी मंचूरियन बनाने के लिए। फ्रेंड्स, एक कढ़ाई लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसमें ग्रेट किए हुए लहसुन डालेंगे। तो लहसुन की क्वांटिटी 2 टेबलस्पून है, क्योंकि हमारी जितनी भी चाइनीज डिश है उसमें लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है।
तो इसको भून लेंगे, क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाएगा तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा अदरक लहसुन भून चुका है। शिमला मिर्च और प्याज को ऐड कर देंगे। अब इसमें अपनी सॉसेस ऐड करेंगे। फ्रेंड्स एक चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, एक चम्मच चिली सॉस डालेंगे, एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे, आधा चम्मच सिरका डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, सब चीजों को मिला देंगे। अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी पड़ेगी। फ्रेंड्स अब हम दो चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी और कॉर्नफ्लोर को बाहर ही मिक्स कर लेंगे, उसे एकदम से कढ़ाई में ना डालें वरना उसमें लम्ब्स पड़ सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये ग्रेवी वाला बनाना है। फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी में बॉईल आ चुका है। एक बॉईल आने के बाद इसमें अपनी मंचूरियन ऐड कर देंगे। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि हमारे जो ग्रेवी का टेस्ट है वो मंचूरियन के अंदर मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, अब अपने मंचूरियन को उघाड़ कर देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर हमारा मंचूरियन बनकर तैयार हुआ है, देखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहा है। इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी सी कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस इसके ऊपर डाल देंगे। फ्रेंड्स अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ थोड़ा, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमारा मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।